पशुओं की बेहतर नस्ल के लिए तरह तरह के मेडिकल ट्रायल किए जाते हैं, लेकिन पानीपत के पशुपालक रविंदर के शोक के चलते एक बेहतर नस्ल का भैंसा लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। मुर्रा बसल के इस भैंसे का नाम रविंदर ने बादल रखा है, जिसके जरिए रविंदर सालाना 25 लाख की कमाई करता है। दरअसल इस भैंसे की नस्ल के पशुओं की प्राप्ति के लिए लोग रविंदर से इस भैंसे का सीमेन खरीदते हैं और एक बार का सीमन 5 से 6 भैंसों में इस्तेमाल हो सकता है। आपको बताएं कि रविंदर इसे भैंसे की डाइट पूरा का पूरा खासा ध्यान देता है और बादल एक दिन में लगभग 15 लीटर दूध पीता है। इसके अलावा ये रोजाना 20 किलो गाजर खाता है और हफ्ते में एक दिन इस भैंसे को शुद्ध देसी घी पिलाया जाता है। शुरू का एक शौक था कि बुलर क्या दावा अच्छी नस्ल का, और इसने फिर आगे जाके बहुत बढ़िया रिजल्ट दिए। कई कंपटीशनों में इसको लगाया तो बढ़िया रिजल्ट मिले, तो ये शुरुआत वहाँ से होती है। और पर मंथ की इसकी 2 से 3 लाख इनकम हो जाती है मुझे इसके सीमन से। बता दें इसकी सोयाबीन, चना, देसी घी और दूध, गाजर और खुद का फीड तैयार करते हैं, ये होता है इसकी डाइट में। तकरीबन एक दिन का 1000 रुपये खर्चा आ जाता है। 7 से 8 अवार्ड इन्हें जीते हैं और अब लास्ट PDFA का अवार्ड जीता है इसने।